तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो भाई बज रहा है सुबह के 8:15 और मैं अभी सो के उठा हूँ। इतना थक चुका था मैं कल पूरे दिन, मैं बता नहीं सकता हूँ यार। इतना कस के नींद आ रही थी कि मैं रात को समझ लो किसी बेड पे पड़ा और नींद आ गई। मतलब थोड़ा टाइम भी मैं जागा नहीं, फ़ोन थोड़ा लिया था, फ़ोन मुँह पर गिरने लगा तो फिर मैं सो गया। तो मैंने बोला यार सुबह मुझे कोई उठाना मत। अभी मैं 8:15 हो रहा है, अब फटाफट जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, थोड़ा लेट ऑफिस पहुँचूँगा चलेगा, लेकिन ऑफिस जाना है मुझे। तो अभी मैं जाता हूँ नहा धो के और फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी 8:15 हो रहे, लगभग 1 घंटे तो मुझे लग जाते हैं भाई नहाने धोने में। तो चलो नहा धो के फिर मिलता हूँ। तो गाइज़ मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गया और अभी बज रहे हैं लगभग 9:15। मैंने बोला ना 1 घंटे में मैं नहाता हूँ, तो भाई 1 घंटे में नहा लिया। और यहाँ पे देखो मम्मी क्या कर रही है, यहाँ पे मम्मी छान रही है चिप्स। हाय फैमिली, सुबह सुबह का सबको राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज दीपक जा रहा है ऑफिस, ऐसे तो रोज जाता है लेकिन आज मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो कुछ बना दी होती। तो मैं बोली चिप्स तल देती हूँ और चाय से खा के चले जाओ। भाई ऐसा हुआ कि रात को जब मैं आया तो इतना थक गया था कि मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, मैं चुपचाप जाके सो गया। और सीबीसी को पता था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको बोला था मुझे सुबह उठाना मत, और मैं उठूँगा तो सीधा फिर ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो वो मम्मी को नहीं बताई। तो अभी मम्मी चिप्स बना रही, तब तक मैं एक काम करता हूँ, नीचे चलता हूँ, बाइक का जो लॉक है वो सब खोल के और थोड़ा साफ सुफ करके आ जाता हूँ फटाक करके। तो चलो यार, अच्छा चाय पहले पी लेता हूँ क्योंकि चाय जो है वो रेडी हो चुकी है। हाँ तो चलो चाय पी। तो गाइस मेरा सुबह का जो नाश्ता है वो तैयार है। तो ये चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, चाय हो गया। भाई मैं चाय हमेशा कटोरी में पीता हूँ क्योंकि आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं। ग्लास में चाय नहीं पीना चाहिए, ग्लास या कप में चाय पीने से ना यहाँ पे उसके भाप जो है लगते हैं, तो ऐसा किसी ने बोला था। इसके लिए मैं आज कितने सालों से, मुझे लग रहा है मैं बहुत छोटा था तब से ही मतलब कटोरी में, इसी कटोरी में चाय पी रहा हूँ भाई। तो चलो चाय ख़त्म करता हूँ फटाफट। तो भाई यहाँ पर आ गया, इसको लॉक खोलता हूँ, ताला लगा हुआ है, और इसको साफ फूक कर देता हूँ थोड़ा। तो भाई देखो ये गाड़ी जैसे साफ कर रहा था ये नीचे मिल गया, गाड़ी के ऊपर बैठ गया। अब बोले घुमाने के लिए इसको राउंड मरवा देता हूँ भाई एक। चलो तो गाइज यहाँ पर देखो ये बाइक पे राउंड लगा के आ चुका है, उतर ही नहीं रहा था भाई। जब तक राउंड नहीं लग गया तब तक छोड़ा नहीं मुझे, ऐसे बनियान पे आज मुझे घूमना पड़ गया, पकड़े नहीं। चलो यार मैं अभी फटाफट रेडी होता हूँ क्योंकि लेट हो गया काफ़ी, 10 बज गए यहीं पे। चलो मैं तैयार होता हूँ। तो गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ, ये आज का मेरा लुक। तो अभी मैं धीरे धीरे भूत बन के और फिर निकलता हूँ यार ऑफिस के लिए। जो बज चुके हैं अभी लगभग 10:05, तो चलो चलता हूँ। गाइज मैं भूत बन चुका हूँ, अभी चलो निकलता हूँ। आज का दिन थोड़ा थकावट वाला होने वाला है क्योंकि आज लेट होगा ऑफिस से आने में। तो चलो चलते हैं, शूज वगैरह पहनते और फिर भागते ऑफिस के लिए। तो देखो भाई 10:11 हो रहे हैं, अब निकलूंगा तो 11:30 के पहले मैं पहुंच नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम ना ट्रैफिक का टाइम होता है। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ मिलता है और कहाँ कहाँ नहीं मिलता है, निकलते हैं यहाँ से। मैं अभी पहुंच चुका हूँ सारोली, और देखिए अपना फेवरेट जगह। तो ना मेरा यार यहाँ पर अभी दिख गया गोरिल्ला ग्लास। तो मेरा ना एक्चुअल में जो की स्क्रीन है ना वो टूट चुकी है, मतलब स्क्रीन नहीं, इसका जो क्या बोलते हैं स्क्रीन गार्ड होता है, तो इसको मैं फटाफट अभी चेंज करवा लेता हूँ। भाई इनके पास ना स्क्रीन गार्ड नहीं था तो मैं अभी निकल रहा हूँ। और यहाँ पे से बज रहा है 10:41, तो चलो चलते हैं। तो गाइस मैं अभी जस्ट अपने ऑफिस पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर देखो हो रहा है 11:11। तो गाइस चलते हैं यार ऊपर, अभी तो अंडरग्राउंड में हो, हालत ख़राब हो गई भाई, जो गजब की गर्मी लग रही थी ना पूछो मत, बट क्या कर सकते हैं, एकदम मतलब हार्ड गर्मी नहीं है लेकिन हल्की फुल्की गर्मी है। तो चलो ऊपर पहले चलते हैं। तो भाई मैं ऊपर आ गया ऑफिस के अंदर और यहाँ पर अपना काम चालू करता हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। ऑफिस में आने के बाद थोड़ा सेट होने में 11:30 बज जाते, मतलब 11:30 बज नहीं जाते, आज लेट हुआ है तो 11:30 बज गया। तो कल मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे लेट होगा क्योंकि रात को वहाँ पर काफ़ी टाइम लग रहा था। तो चलो अभी काम करते फटाफट। भाई आज बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है,
अभी बज रहे लगभग 1:30, और लंच टाइम अभी समझ लो हुआ नहीं है क्योंकि काम बहुत, इतना सारा काम, मेरा तो सर दुखने लगा। अभी और आधे घंटे तक मैं लंच के लिए नहीं जा सकता हूँ, देखो कितना टाइम लगता है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ नीचे लंच करने के लिए, और अभी टाइम हो रहा है भाई 2। आज ना काम इतना ज़्यादा है ना कि काम के बीच में आज वीडियो तो बना ले रहा हूँ, ये अच्छी बात है, नहीं तो रोज़ तो वीडियो भी नहीं बना पाता क्योंकि रोज़ ना कुछ थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ पे वीडियो ना बनाओ तो बेटर होता है। तो भाई चलो चलते हैं यार, अभी नीचे आ तो गया हूँ, फिर अपने चाइनीज़ वाले काका के पास चाइनीज़ बेल खाते भाई, फिर आता हूँ ऑफिस। फिर आज ना काम पे काम मिले जा रहा है, अभी 4 बजे की मेरी मीटिंग है, वो उसके लिए साला मैं खास करके आया हूँ, उसके लिए मतलब मुझे ऑफिस में बैठना पड़ा, नहीं तो मेरा विजिट है 2-3 जगह पे पार्टनर्स ऑफिस, लेकिन मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो चलो जैसा भी हो, अभी फ़िलहाल ये वाला पहले नाश्ता करके आता हूँ यार, चलो। तो भाई नाश्ता करके मेरा हो गया और अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ, तो अभी मतलब 5-10 मिनट की दूरी ही है, तो चलो यार ऑफिस चलते हैं, तो वहाँ पे फिर माथा पच्ची करते हैं, चलो। तो भाई आज का काम जो है वो ख़त्म हो गया, तो अभी चलो धीरे धीरे निकलता हूँ यहाँ से, अभी बज रहे लगभग 7, चलो चलते घर पे। तो गाइज मैं ऑफिस से निकल गया, 7 नहीं बज रहे थे भाई, 6 बज रहे हैं, मेरे मुँह से निकल गया, तो अभी चलो फटाफट जाता हूँ, मतलब अभी पहुँचते पहुँचते तो 7-7:30 बज जाते घर पे। अभी कुछ फ्रूट मार्केट से थोड़ा फ्रूट वगैरह ले लेंगे बिसु के लिए, और फिर आगे निकलेंगे और घर के लिए कुछ ले लेंगे खाने के लिए, तो चलो पहले चलते हैं अंडरग्राउंड। तो भाई 2 से 1 मिनट लग जाते हैं भाई लिफ्ट में नीचे जाने में अंडरग्राउंड, और मेरा ऑफिस है 3rd फ्लोर पे, मतलब 5 फ्लोर नीचे जाना है। तो भाई बहुत सन्नाटा है यहाँ पे अंडरग्राउंड में, ऐसे देखने में तो डर लगता है यार सीरियसली, मेरी बाइक एकदम लास्ट में। तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और चलो अभी डायरेक्टली घर पे जाके फिर मिलता हूँ मैं आपसे, तो भूत बन के जाना ज़रूरी होता है भाई, पता है ना सेफ्टी, चलो चलते। तो गाइस यहाँ पे देखो ये फ्रूट मार्केट, ये पूरा का पूरा फ्रूट मार्केट है, बहुत बड़ा है, अंदर तो काफ़ी बड़ा है। तो अभी मैंने यहाँ से संतरे ले लिए, तो चलो अभी निकलता हूँ यहाँ से और भी कुछ देखता हूँ ले ले। तो भाई यहाँ से मैंने एप्पल अपना ले लिया, आगे देखता हूँ कुछ नींबू वगैरह मिलता है तो वो ले लेता हूँ, नींबू ककड़ी लेके और फिर सीधा घर पे। तो अभी मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा भाई, अभी सीधा घर पे निकलता हूँ मैं। तो भाई मैं अभी घर पे पहुँच चुका हूँ, और अभी बज रहे हैं लगभग 7:45, मतलब 7:30 हो गए हैं, 7:40 ऐसा। चलो देखता हूँ सब क्या कर रहे हैं घर पे। तो देखो ये यहाँ पे चाय बना रही है भाई, सोए के उठे गए हैं सब जने, और मम्मी अपना यहाँ पे बाल झाड़ रही है, कितना सोच जाता था तुझे, पियो पियो चाय। और एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे ना विसर्जन हो रहा है, कितना दिन दिन लग रहा है इतना लेट पिए भी, देखो देखो आवाज़ आता रहेगा सब सॉन्ग का, तो नहर में ही सब विसर्जन हो रहा है भाई, डीजे की आवाज़ डिचिक। चलो मैं फ्रेश होता हूँ यार, क्योंकि आने में एकदम थकावट लग गई, तो अभी जाता हूँ कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। इसमें संतरा, इसमें सेब, और बाद में मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने फिर ककड़ी और नींबू, ये 2 चीज़ें ली थी, तो ये डायरेक्टली होलसेल के भाव मिल गया भाई मुझे, 120 रुपये किलो में। 1 हफ्ते का काम हो गया भाई, 1 हफ्ते के लिए सब आ जाता है, फिर अब डायरेक्टली अगले हफ्ते में आएगा। चलो मैं जा रहा हूँ कपड़े निकालने, बहुत गर्मी हो रही है। गाइस मैं देखो एकदम फ्रेश हो गया हूँ, और अभी नहाया नहीं हूँ, रात को नहाऊँगा सोते टाइम भाई, सोते टाइम नहा होना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखो अभी मैं मेरे पास क्या, तो यहाँ पर देखो समोसा और चाय, तो भाई पापा समोसा लेके आए थे दोपहर को, तो मेरे लिए रखा गया था, तो इसको अभी मस्त तवे पे सेक के वापस मैं खा रहा हूँ। और ना भाई एक बड़ा हादसा हो गया कि मेरे घर में एक चूहा घुस गया छोटा सा, अभी उसको ढूंढना पड़ेगा, तो पहले चाय पी लेता हूँ फिर ढूंढता हूँ उसको, चलो चाय पीता हूँ। ताला बंद किया, किसको बंद किया, एक नहीं है, चाचक दीदी कहाँ लगा रहा, कहाँ पे लगा था, वहाँ पे लगा था, अरे बाप रे, देखू
देखो इधर आओ चाचा के दिखा देता यहाँ आओ यहाँ के मारे से पहले बताओ। तो भाई चाय नाश्ता तो हो गया और मैं अभी आराम कर रहा था, तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है। तो ना एक्चुअल में उपवास के दिन ना साबूदाना ज़्यादा भिगा दिया गया था, तो हमें लगा था चाचा आने वाले, लेकिन चाचा आए नहीं थे। तो हम लोग सोचे कि जब आएंगे तो साबूदाने की खिचड़ी जो है बन जाएगी, तो आए ही नहीं, तो साबूदाना वैसे ही रखा रह गया, मतलब तो भिगाया हुआ ज़्यादा था, तो उसको फ्रिज में रख दिए थे। तो अब भी देखो भाई यहाँ पे क्या बन, यहाँ पे आलू बॉईल करके रखा हुआ है और यहाँ पर सिंगदाना जो है वो भून के इसमें डाल दिया गया है, इसमें मिर्ची और सब कुछ डाल दिया गया है। तो अब भी बनेगा भाई मिर्ची नींबू नमक, तो अब भी बनेगा साबूदाने की वड़ी। और भाई चटनी उटनी पीस के रखा गया है, कहाँ गया इस डब्बे के अंदर है भाई चटनी, पूरा फ्रिज भर गया है रे। तो चलो बनने देते हैं, अब इंतज़ार करते हैं, अब तो भूख लगने लगी है भाई, जल्दी जल्दी बनाओ। तो भाई मम्मी को ना हो गई है गैस और मम्मी दो तीन दवाई खा चुकी है लेकिन आराम नहीं हो रहा है, तो अब भी मम्मी को लेके जाता हूँ वॉकिंग कराने के लिए नीचे, फिर देखते हैं कुछ हो सकता है आराम, नहीं तो फिर ठंडा ला के रखा हुआ है मतलब थम्सअप, उसको भी पी के कुछ आराम हो जाए। तो चलो इनको दौड़ाता हूँ, पहले कम से कम 20-25 राउंड ग्राउंड के मरवाता हूँ, और मैं बाइक लेके भागूंगा और मम्मी पीछे पीछे भागेगी, तो इससे भी जो गैस होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है तो चलो चलने के लिए तैयार, चलो नीचे चलते भाई। तो गैस हम लोग यहाँ पे आए हैं ना कुछ शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे देखो ट्रायल रूम भी है छोटे से स्टोर में, तो जो शॉप के ओनर है वो नहीं दिख रहे, पता नहीं कहाँ है। तो चलो तो हम लोग आए डांगर फैशन, डांगर ये ना हमारी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे ओपन हुआ है, देखो डांगर फैशन। तो मैं आया हूँ कुछ चीज़ लेने के लिए, क्या लेने आया हूँ मैं आपने बाद में बताऊँगा आपको, ये ले लेने आया हूँ ये भी बाद में बताऊँगा, तो फिलहाल पहले ले लेता हूँ क्योंकि बाद में अगर वीडियो में, वैसे तो वीडियो 4 दिन मेरा लेट है, तो जब तक पता चलेगा तब तक तो कहानी ख़त्म हो गई रहेगी। तो फिलहाल चलो मैं कुछ ड्रेसेस वगैरह देखने आया हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे कहीं और। तो यहाँ पे भाई कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन एक जो है वो फाइनल किया हमने, तो वो ले लेते हैं। और ये भैया का मतलब शॉप है यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में ही, तो जिसको कुछ भी शॉपिंग वगैरह करना है भाई आ जाना, सब लोग गोल्डन पॉइंट वालों, यहाँ पे अच्छे अच्छे पीसेज है, तो और भी आने वाला है ना, और भी लेके आइएगा। तो देखो भाई ये जो शॉप का ओनर है और शॉप में जो सामान आया उसका निरीक्षण करते हुए, तो ये सब सामान जो आया है ना, ये ओनर है तो भाई इसका ध्यान देना बनता है ना। हाँ देखो ध्यान से देख रहे कितना माल आया कितना नहीं। तो भाई मैं आ गया था नीचे और यहाँ पे बात करने लगा, वहाँ पे बैठ के थोड़ा चर्चा होने लगी, लेट हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ घर पे और अभी बज रहे लगभग 9, तो जाता हूँ वहाँ पे, अभी सु जो है वो खाना बना रही है, कुछ बना रही है भाई आइटम, साबूदाने की वड़ी बना रही है। तो चलो चलता हूँ और थोड़ा उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो भाई देखो यहाँ पर वड़ी बन के रेडी है, मतलब ये रॉ मटेरियल है भाई, अभी कढ़ाएगा तेल में इसमें और फिर बन के निकलेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो गाइस आज मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, तो बड़ा काम ये है ना कि आज से मैं वोडाफोन से एयरटेल में शिफ्ट होने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एयरटेल वाले भाई साहब आ गए हैं, देखो अपना 5G का स्पीड लेकर, और देखो हमें ना सिम कार्ड उम कार्ड पोर्ट कराना होता है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, देखो प्रोसेस यहाँ पे चालू है सब, और यहाँ पे मस्ती खोर लोग आ गए हैं। उसको फूटी नहीं दिया भाई, गिलास ना गिराई है। गोलू का पिए थे, ये देखो ऐसा ऑप्शन आएगा, क्या पी रहे हो गोलू बताओ बताओ क्या पी रहे हो, क्या फूटी है, देखो भाई इन लोग फ्रूटी पी रहे, फूटी है फूटी, गोलू हाई कर रहा है और साथ में फूटी पी रहा है, फूटी। गोलू आप कैसे करते हैं बंदर, ऐसा करते हैं क्या केला में नहीं। और बंदर नहीं। बंदर केला कैसे खाता है गोलू, ऐसा खाता है और गले में अटका, गले में। अच्छा तो गाइस यहाँ पर देखो वड़ी जो है डाली जा रही है,
जोरों शोरों में उबलते हुए तेल में भाई चलो इसको होने देते हैं। मोतियों जैसे साबुनदाने की वड़ी निकल रही है गाइस। देखो यहाँ पे अपनी प्लेट जो है वो रेडी हो गई है, तो मस्त यार खाता हूँ फिर बाद में आपसे मिलता हूँ क्योंकि अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है। तो चलो मैं इसको खा के ख़त्म करता हूँ। तो भाई देखो यहाँ पर रात को हम लोग की पार्टी होने वाली है, इसको खोलते हैं फटाफट। आधी रात को पार्टी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें तीन ग्लास जो सबसे ज़्यादा वाला रहेगा वही मेरा रहेगा भाई। यहाँ पे देखो पैर दबावा था इन सासू माई का। चलो फटाफट सब लोग अपना अपना ग्लास उठाओ और शुरू हो जाओ। तो गाइस मैं अपना कोका कोला ख़त्म करता हूँ और भाई हो गया है बहुत लेट, तो मैं थम्स अप पी के फिर जा रहा हूँ अपना नहा धो के सोने। तो चलो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मतलब कल मॉर्निंग। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।